नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्टॉक्स के बारे में जो कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद घोड़े की रफ्तार से दौड़ते हुए मिलेगा, मतलब इसमें इतनी तेज़ी देखने के लिए आपको मिलेगा कि फिर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका जो प्राइस है लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही आपको बहुत ही तेज़ी से मूव करता हुआ मिलेगा और अपने प्राइस को बहुत ही तेज़ी से ये रिकवर करता हुआ मिलेगा। क्योंकि अभी ये सारे स्टॉक्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहे हैं, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, तो कोई 60% तक डिस्काउंट पर आपको मिल रहे हैं। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जिन स्टॉक्स में मतलब बहुत ही तेज़ मोमेंटम देखने मिल सकता है लॉकडाउन खत्म होने के बाद। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपको बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आइए, इन सारे वीडियोज़ को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए, जो पहला शेयर है हमारा वह है हमारा IRCTC। दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि 30 जून तक जो हमारा रेल है, जो हमारा जनरल पैसेंजर ट्रेन है, सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई है, मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल ट्रेन है और जो पैसेंजर ट्रेन है सब रद्द दी गई है। ऐसे में जो IRCTC का रेवेन्यू है जो कि आता है कैटरिंग से, रेल नीर से, अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमने IRCTC के पूरे रेवेन्यू मॉडल के बारे में बताया है। तो ये जो रेवेन्यू है IRCTC का पूरी तरह से बंद है और 30 जून मतलब फर्स्ट क्वार्टर पूरी तरह से रेवेन्यू में बहुत ही जोरदार का गिरावट, 90% तक का गिरावट आपको देखने मिल सकता है। तो ऐसे में ये शेयर जो है लॉकडाउन में लगातार आपको गिरावट में देखने मिल सकता है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा मतलब जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, इसमें फिर से आपको लगातार अपर सर्किट देखने मिल सकता है। तो ऐसे में इन स्टॉक्स में अगर आपको लगता है सिचुएशन अब नॉर्मल होने वाला है तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये अब 2000 तक के प्राइस तक जा चुका था और अभी आपको मात्र 1329 रुपीज़ में मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस मात्र 1329 रुपीज़ है। तो आप जैसे इसमें और करेक्शन आता है तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा शेयर है हमारा वो है SBI कार्ड। दोस्तों SBI कार्ड IPO 755 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था, लेकिन जो लॉकडाउन का सिचुएशन है जिसका जो SBI कार्ड है इसका पूरी तरह से बिजनेस बंद है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कोई लॉकडाउन में करता नहीं है उतना, क्योंकि ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बंद है। तो जैसे ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर स्टार्ट होता है तो इस स्टॉक में भी आपको लगातार अपर सर्किट देखने मिल सकता है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है लॉकडाउन जैसे देखते हैं कि लॉकडाउन से सिचुएशन नॉर्मल हो सकता है तो आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स में जो कि बेहतरीन है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो इन सारे स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना है। अभी देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस है 539 रुपीज़ और ये लोवेस्ट 500 तक आ चुका है, 501 रुपीज़ तक। तो आप भी आप देख सकते हैं ये अपने न्यूनतम प्राइस की ओर ही है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको IPO नहीं मिला हो तो और अच्छा है, बहुत ही आपको सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक्स मिल रहा है, क्योंकि इसका जो प्रीमियम प्राइस था वो 1100 के आसपास था। समझ सकते हैं कितने सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। उसके बाद तीसरा स्टॉक से हमारा बजाज फिनसर्व लिमिटेड। दोस्तों ये देखते हैं 9950 रुपीज़ का स्टॉक्स, मतलब 10,000 रुपीज़ का स्टॉक्स मात्र आपको अभी 4710 रुपीज़, तो मतलब 4700 के आसपास मिल रहा है। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स आपको 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो स्टॉक से हमारा इसका भी अभी जो है पूरी तरह से बिजनेस बंद है, तो ऐसे में ये स्टॉक आपको बहुत ही करेक्टेड प्राइस पर मिल रहा है। तो जैसे बिजनेस इसका मतलब लॉकडाउन खत्म होता है, जैसे नॉर्मल सिचुएशन होता है, बिजनेस स्टार्ट होगा, फिर ये स्टॉक्स उतनी ही तेज़ी के साथ अपने प्राइस को रिकवर करेगा जितना तेज़ी से इसमें आपको फॉल देखने मिला है। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक्स हमारा जुबिलेंट फूड वर्क्स। दोस्तों इस स्टॉक में अभी तक बहुत ही कम गिरावट देखने मिला है, देख सकते हैं अपना 52 भी कहा है, 1973 रुपीज़ है और ये अभी भी 1648 रुपीज़ पे है। तो समझ सकते हैं ये अभी भी इसमें बहुत ही कम करेक्शन देखने में, बीच में गिरावट आया था ये 1297 मतलब कहिए कि 1300 से भी नीचे आ चुका था। तो वैसे में यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसे भी इसमें करेक्शन आ सकता है, तो करेक्शन आता है तभी इन्वेस्ट करें। लेकिन जैसे ही करेक्शन खत्म होता है, सिचुएशन नॉर्मल आता है, नॉर्मल हो जाता है, तो ये स्टॉक्स फिर आपको बहुत ही तेज़ी से ऊपर मूव करते हुए देखने मिल सकता है। तो ऐसे में स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर ले जैसे करेक्शन वाले मार्केट में आपको मिलता है, क्योंकि ये सारे स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
उसके बाद आता है बजाज फाइनेंस। दोस्तों बजाज फाइनेंस और बजाज फिंस अब दोनों बजाज ग्रुप की बेहतरीन कंपनियों में से एक है। तो देखते हैं अभी इसका जो करेंट प्राइस है वह है 2086 रुपीज़। बहुत ही नीचे के वैल्यूएशन पर ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है, तो बहुत ही ये हाई वैल्यू का हुआ करता था। लगभग देखते हैं 4923 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हुआ करता था। अभी आपको 60% से ज़्यादा करेक्शन पर आपको स्टॉक्स ये मिल रहा है, तो ऐसे में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगला स्टॉक टाइटन कंपनी। अभी करेंट मार्केट प्राइस देखते हैं 846 रुपीज़ है और 52 वीक हाई देखेंगे तो 1389 रुपीज़, मतलब 1400 के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था। अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। देख सकते हैं इस स्टॉक में बहुत ही तेज़ गिरावट आया, लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो सारे जो टाइटन कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उसका सेलिंग स्टार्ट हो जाए, इनके शॉप ओपन हो जाएंगे, सिचुएशन नॉर्मल होगा, शादी ब्याह होगा तो उसमें इनके जो गोल्ड के ज्वेलरी है प्रोडक्ट है वो बहुत ही सेलिंग होगा, तो इसमें स्टॉक पे आपको तेज मोमेंटम देखने उसके बाद मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा जो पिडिलाइट इंडस्ट्री है। दोस्तों फेविकॉल आपने भी यूज किया होगा, तो अभी फेविकॉल जैसे हमारा सब चीज बंद है तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन सिचुएशन जैसे नॉर्मल होगा सारे कामकाज शुरू होंगे तो फिर से फेविकॉल का यूज उतना ही होने वाला है। तो ऐसे में ये फेविकॉल फेविक्विक ये सारी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री का। इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर उसी रेशियो में यूज होगा जो जैसा पहले होता था, ऐसे में ये स्टॉक्स अपने प्राइस में फिर से एक तेज मोमेंटम दिखा सकता है। तो समझ सकते हैं ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी पिडिलाइट इंडस्ट्री का देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस है 1370 रुपीज़ और 52 वीक हाई है इसका 1709 रुपीज़। तो समझ सकते हैं ये अभी भी आपको लगभग 300 से ज़्यादा के डिस्काउंट पे मिल रहा है। उसके बाद हमारा HDFC देखते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो अभी करेंट मार्केट प्राइस है 1634 रुपीज़, और अभी आपको ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है वो देखते हैं 2499 रुपीज़, मतलब 2500 का ये स्टॉक्स हुआ करता था। अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। देखते हैं जैसे ये स्टॉक में बहुत ही तेज़ गिरावट आया था और ये फिर अपना प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका है, तो ऐसे में ये स्टॉक्स जो है जैसे आपको गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स है जैसे लॉकडाउन खत्म होगा इसका बिजनेस फिर से रीओपन होगा, तो बिजनेस रीओपन होगा तो कंपनी का रेवेन्यू फिर जनरेट होगा, तो फिर से इस स्टॉक में आपको प्राइस में जो करेक्शन आया है वो फिर से रिकवर करते हुए आपको देखने मिल सकता है, तो क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ये सारे के सारे। उसके बाद HDFC बैंक लिमिटेड, दोस्तों बैंकिंग कारोबार अभी भी चल रहा है लेकिन थोड़ा जो है कम चल रहा है, मतलब बहुत ही कम लेवल पर चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक देखते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। अभी इसका करेंट मार्केट प्राइस है 888 रुपीज़ और इसका 52 वीक हाई देखेंगे 1305 रुपीज़, तो बहुत ही करेक्टेड मार्केट पर, मतलब बहुत ही करेक्शन पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है, तो ऐसे में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहा है। उसके बाद है बंधन बैंक, दोस्तों अभी इसका करेंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 243 रुपीज़ और जो 52 वीक हाई है देखिएगा 650 रुपीज़, मतलब आपको ये 70% से भी ऊपर के डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है, और लो देख सकते 152 रुपीज़ तक का ये लो बना चुका है। ये स्टॉक्स आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ऐसे में आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जैसे सिचुएशन नॉर्मल होने लगता है तब इन्वेस्ट करें। अभी आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट शुरुआत करें क्योंकि इसमें अभी और करेक्शन मिल सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसे देता है, छोटे छोटे जो लेबर होते हैं उनके कारोबार या उन्हें आप लोन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में ये स्टॉक का जो बिजनेस है बहुत ही अफेक्टेड हुआ है, तो जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो उसमें भी कुछ वक्त लगेगा इस स्टॉक को अपना प्राइस रिकवर करने में। फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, तो इन सारे स्टॉक पे आप नज़र रखेंगे और जैसे मार्केट नॉर्मल होने लगता है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, दोस्तों इसका कारोबार अभी भी चल रहा है लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर, लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो कारोबार और भी रफ्तार पकड़ेगा, जैसे बिजनेस रफ्तार पकड़ता है रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये स्टॉक आपको देख सकते हैं इसमें बीच में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आया था और उसी गिरावट में आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो फिर से इसमें अगर गिरावट आती है मार्केट में करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारोबार अभी भी चल रहा है और सिचुएशन नॉर्मल होता है तो और तेज़ रफ्तार से इसका कारोबार चलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये जो है स्टॉक्स बहुत ही तेज़ी से मूव करेगा, तो इन सारे स्टॉक आपको नज़र बना के रखना है। अभी करेंट मार्केट प्राइस जो है इंद्रप्रस्थ गैस का 456 रुपीज़ है, 52 वीक हाई देखते हैं 534 रुपीज़ है, तो अभी भी ये कुछ डिस्काउंट में मिल रहा है लेकिन और इसमें आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं।
उसके बाद बेहतरीन स्टॉक है इन्फोइज, नौकरी.com। दोस्तों नौकरी.com शादी.com दोनों एक ही है, इसी का वेबसाइट है शादी.com भी। तो अभी आप समझ सकते हैं कि जो नौकरी.com शादी.com इसका भी रेवेन्यू इफेक्टेड हुआ होगा, लेकिन स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन बीच में आया था। ये स्टॉक्स देख सकते हैं 2000 के करीब आया था, लेकिन फिर से ये तो स्टॉक्स बहुत ही ऊपर मूव कर चुका है। लेकिन जैसे हमारा लॉकडाउन और लंबा खींचता है तो इस स्टॉक में भी करेक्शन देखने मिल सकता है। और इसका 52 वीक हाई देखिएगा 3130 रुपीज़, और अभी देखते हैं इसका करेंट मार्केट प्राइस है 2586 रुपीज़। अभी भी बहुत ही करेक्शन पे मिल रहा है, लेकिन इसमें और करेक्शन आ सकता है अगर हमारा लॉकडाउन और लंबा खींच जाता है। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो ये इसके सारे बिजनेसेस फिर से उसी मतलब रेशियो में चलेंगे, मतलब जैसा था वैसा ही चलेंगे, कोई बिजनेस इफेक्टेड होने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये स्टॉक्स तुरंत अपने प्राइस को रिकवर कर सकता है। तो इस सारे स्टॉक पे आपको नज़र बनाए रखना है, जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन खत्म होता है तो ये सारे स्टॉक फिर से बहुत ही तेज़ी से मूव करते हुए देखने आपको मिल सकते हैं। उसके बाद है रेतको खैतान, देखिए करेंट मार्केट प्राइस 310 रुपीज़, ये स्टॉक्स का 52 वीक हाई देखेंगे 439 रुपीज़। देख सकते हैं ये स्टॉक्स जो है जैसे लॉकडाउन बीच में खुला था, मतलब जैसे लिक्कर शॉप खुला था, ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से मूव किया था ऊपर। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक जैसे लिक्कर का दुकान, जैसे शराब का दुकान खुलता है तो ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से मूव कर सकता है। तो इन स्टॉक पर आपको नज़र बना के रखना है, ये स्टॉक अभी बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रहा है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेहतरीन स्टॉक में से एक है हमारा बाटा इंडिया, 2000 रुपीज़ का ये स्टॉक हुआ करता था, अभी आप देखते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ये 1200 से भी नीचे ये स्टॉक्स मिला करता था, उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस है 1338 रुपीज़, और 52 वीक हाई देखेंगे, देख लीजिए 1895 रुपीज़, मतलब 1900 के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आप स्टॉक मिल रहा है, लेकिन जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता है तो इसका भी बिजनेस बहुत ही इफेक्टेड हो चुका है, क्योंकि अभी कोई भी जूता कोई भी शू खरीदने वाले में से नहीं है लॉकडाउन के सिचुएशन में। तो ऐसे में इसका जो रेवेन्यू है बहुत ही इफेक्टेड हुआ है, प्रॉफिट बहुत इफेक्टेड हुआ है, तो जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर वन का बहुत ही इफेक्टेड होगा। तो इससे इसमें और करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो बिजनेस फिर से उसी रेशियो में उसी रफ्तार से ओपन होगा, तो स्टॉक में भी उसी रफ्तार से प्राइस को रिकवर कर सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि फिर से जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है तो फिर से इसका शेयर प्राइस आपको वहीं देखने मिलेगा जहां ये पहले हुआ करता था। इसलिए इन सारे स्टॉक पे आपको नज़र बना के रखना, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है, और जैसे करेक्शन वाले मार्केट में मिलता है इन सारे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।